प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। एग्जिट पोल जो है वो भी लगभग 400 के आसपास एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। तो बिहार में तैयारियां जो हैं वो रिजल्ट से पहले चल रही हैं, और 400 पार के नारे के बाद 400 किलो लड्डू जो हैं वो इस वक्त बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, कई घंटों से लड्डू बनाए जा रहे हैं और 400 किलो लड्डू जो हैं वो 400 पार के नारे के साथ एक बनाया है, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जीत के बाद जब कल रिजल्ट आएंगे तो ये लड्डू जो है वो जगह जगह पहुंचाए जाएंगे, जश्न मनाया जाएगा। तमाम बीजेपी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या नाम है आपका? अनिल सानी। अनिल, हम पटना के रहने वाले हैं और हम लोग कल का तैयारी कर रहे हैं। 4 जून 400 किलो लड्डू बनाकर कल हम लोग विजय उत्सव मनाएंगे और तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दिल्ली में बैठाएंगे। 140 करोड़ जनता को विश्वास है कि फिर से सनातन धर्म और 140 करोड़ जनता मोदी जी को विश्वास को फिर से लेगा और फिर से दिवाली होली साथ साथ मनाएंगे। पटना में रविशंकर प्रसाद को सांसद बनाएंगे और बिहार में इंडिया का 40 को 40 सीट हम लोग जीतेंगे। जो भी लोग विपक्षी दल जो भी सवाल उठा रहा है, ये सब सवाल उठाना ये लोग का काम है। ये लोग सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग कल का 4 तारीख को हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 400 किलो लड्डू का आइडिया कहाँ से आया? इसमें तो बहुत समय लग रहा होगा। कितना समय लग रहा? हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग झाजी को बोलकर 400 किलो लड्डू का ऑर्डर दिए है। ये कल तक सुबह तक चलेंगे। 400 किलो पार होगा तब कुछ होगा। अब मोदी जी को तीसरा बार मनाएंगे, तब देश में हम लोग विकास को आगे बढ़ाएंगे। तैयारियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि एग्जिट पोल से उलट आएगा रिजल्ट। तो वो तो बोलवे नहीं करेगा, उसके पक्ष में आईवे नहीं करता, क्या करेगा? वो तो चद्दर ओढ़ के भाई रो रहा है, क्या करेगा? रोएगा कि रात तक हमारा पलट जाए, तो पलटने वाला बात है। और जनता 140 करोड़ जनता वोट दिया था, जीतेंगे। आपको जनता नकार दिया था, कहां से जीतिएगा? हम लोग को पूरा भरोसा है सनातन धर्म और हिंदू समाज पर, 140 करोड़ जनता पर, कि मोदी जी को तीसरा बार देश को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है और उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी तो अभी अभी नया राजनीति शुरू की है, अब पूरा युवाओं को रोजगारें बांट दी है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी तो पूरा पूरा देश को मैंने सोना के चिड़िया कह रहे हैं, तो सोना के चिड़िया हो गया पूरा देश। और तेजस्वी जी मैंने अभी अभी राजनीति के दुनिया में कदम रखे और बना दिए, पूरे युवा को नौकरी दे दी है। ऐसा भरमाने वाला काम उनके पिताजी भी किए, अब वो भी कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, उनको लंबा राजनीति करना है। अच्छा बात बोले, अच्छा आगे का सोच रखे, मौका मिलेगा। हम ये नहीं करें, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी चाहेंगे, अभी अनुभव का कमी है उनको, थोड़ा अनुभव प्राप्त करें। हम लोग भी उसी अनुभव में अभी प्राप्त करेंगे, आगे आएंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम कूद के छलांग लगा के और वहाँ जाके गद्दी पर बैठ जाएंगे, अभी ये सब नहीं करें। क्या तैयारियां हैं? लड्डू बन रहे हैं, आप लोग के मन में क्या है रोजगार को लेके, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को लेकर? रोजगार तो हम लोग खुद अपने आप ही करते हैं। रोजगार पहले भी हम लोग खुद करते थे और अभी भी करते हैं। नौकरियां इतना वो नहीं था कि जो 70 साल पहले नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब बोलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल से क्यों नहीं दिए नौकरी, अब बोल के क्या होगा? अभी तो मोदी जी कम से कम अपना स्वरोजगार के लिए तो लोन मुद्रा सब मुद्रा लोन हर तरह का वो दे रहे हैं। तो कल तो हम लोग का खुशी जाहिर है ही है, 400 पार और 400 किलो लड्डू। 400 किलो लड्डू, और देखिए कढ़ाई में इस वक्त पूरी तरीके से लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। अंदर जो बैठे हुए हैं सब वो भी अपने लड्डू बना रहे हैं और भी यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। 400 पार का नारा, 400 किलो लड्डू, आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से चल रही हैं? बिल्कुल, ये हमारे लिए। एग्जिट पोल से कॉन्फिडेंस आया क्या? नहीं, एग्जिट पोल से कॉन्फिडेंस नहीं आया। कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले मोदी जी का कोई भी जो वो बोलते हैं वो हमारे लिए नारा लोग बोलते होंगे, पर हमारे लिए ये बिल्कुल मंत्र हो जाता है। जैसे कोई गुरु मंत्र देता है ना, बस हमारे लिए वो मंत्र है। तो वो 400 पार हमारे लिए मंत्र हो गया। एंड एग्जिट पोल की हम कहां से आता है? आप लोग जो हमारे चौथे स्तंभ है, आप हमारे वो रिजल्ट मेकर हैं, वो रिजल्ट अनाउंस करके आप हमें भरोसा देते हैं। तो 1 तारीख की रात से आपने हमें भरोसा देना शुरू किया कि जो मोदी जी ने कहा
वो मंत्र बिल्कुल सिद्ध मंत्र है और वो 400 पार सही है, इसीलिए 400 किलो लड्डू तो बस एक छोटी सी चीज है। हर घर का व्यक्ति चार चार लड्डू निकालेगा और मन वैसे ही मिठास से भरा हुआ हमारा। तो के इस तरीके के कटआउट जो है उन्हें लेकर यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक तरफ लड्डू बनाए जा रहे हैं, एक तरफ कटआउट है और सबको विश्वास है कि कल जब नतीजे आएंगे तो उसके जश्न की तैयारियां जो है फिलहाल पटना में शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, पटना।